एक तो मोटरसाइकिल बनवाना है, ये देखें मारोडी क्रो ये खड़ी हुई है। अम्मी कहते हैं कि इसका भी काम करवाएं, मोटरसाइकिल का इधर उधर जाना होता है, ये देख लें इसका मूल लगाएं आप लोग कितने का लेंगे, हम ये मोटरसाइकिल बेचना चाहते हैं। उसके बाद हमने ना न्यू मोटरसाइकिल लेनी है, आप इसका मूल लगाएं अगर किसी ने लेना हो। मारोडी क्रो है, बहुत फेमस है, पेट्रोल का खर्चा है नहीं, अगर ये खड़ी रहे तो बिल्कुल भी खर्चा नहीं करती। इसके टायर वगैरह जो है ये हम खोल लेंगे, बाकी जो है मोटरसाइकिल ये हमने सेल करना है, सारे कमेंट्स में इसका मूल लगाए। आप देख सकते हैं 10x10 कंडीशन है, लेकिन बस सिर्फ थोड़ा सा ना ये धुंध और कोरे की वजह से, ये आप देख सकते हैं उसकी वजह से थोड़ा सा इसका कलर खराब हो चुका है, बाकी ये 10x10 है। हाँ जी YouTube की दुनिया के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम जाते हैं इनका पता करने मिस्त्रियों का, उसके बाद वापस आते हैं। अच्छा माँ गोप्याला ने पता की 15 दी थी लारे लही खड़े। चलो सावल चेक मोटरसाइकिल, इतनी ठंड में आप जाएंगे इनका पता करने, कितना टाइम हो गया आ ही नहीं रहे। वहां से वापस हम आ चुके थे, उन्होंने कल का टाइम दिया है कि कल को हम आएंगे और इंशाल्लाह आप लोगों का काम स्टार्ट कर देंगे, तो वेट जो था वो इंशाल्लाह खत्म हो चुका है, अब इंशाल्लाह इसका भी काम होएगा। और आज के ब्लॉग आप लोगों ने बंद नहीं करना, स्किप नहीं करना, क्योंकि जैसे आप लोगों ने कहा था मैं वैसे कर रहा हूँ, मैं करीम वाला से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। इसी खुशी में एक लाइक कर दें एक और एक बहुत प्यारा सा कमेंट, जितनी मुझे गालियां दी है ना आज कमेंट करके मेरा दिल खुश कर दें, आप सबकी मेहरबानी होगी, क्योंकि आज हम करीम वाला को मनाने जाएंगे और आज करीम वाला को हम मना लेंगे। तो मोटरसाइकिल को हो गया इंशाल्लाह, मुझे पता है कि मेरे कोई ना कोई व्यूअर जो है मोटरसाइकिल खरीद लेगा। अभी बचता है और क्या काम बचता है, अमा क्या गिनने भैया घा हम ले रहे हैं सजाद भाई से, सजाद भाई ने घा का मूल बताया, कितना बताया है? 7000। 7000 है ना उन्हां वास्ते, लोगां वास्ते साढ़े कितने कम से कम ज्यादा होना चाहिए, तुम्हारे वास्ते 7500 भाई जान, मैं घट आके घट करो वाल 8000 रुपए दे दो बस, ठीक है थी ठीक है। अम्मा मोटरसाइकिल अपना विक गया, मैं विवरा को दिखा देते हैं, कोई ना कोई बंदा आते अपना मोटरसाइकिल मारुडी करो छेक वैसे, ठीक है खोल के आए अपने। अम्मा मैं उन्हें वाह देते हैं टायर आपा खोल, टायर भेजन खोल के सुहा, ठीक है यार गरारी साइड तो मैं को काट दिया नवा यार, यार सारा कुछ ना खोलो वाल विक से कितने रहा। हम आप लोगों के कहने पे तैयारी की हुई थी जाने की करीम वाला को मनाने की, लेकिन खुद करीम वाला की वॉइस आ गई आप लोगों को सुनाते हैं। क्या हाल है, मैं अल्लाह का बुलेना बे यार, यार अल्लाह वास्ते मेरे को माफी दे जा यार, मेरे को माफी दे जा यार, यार भाभी तो अभी चली गई है, मैं तक ला यार त्रै दिन थी घर में रोटी के नहीं खाते यार, एक वो भी छोड़ गया ना वो किधर गई है पापा, भाभी क्या पता यार, अब तो पता क्या नहीं कि मैं मंदा यार मेरी गलती है, मेरे को एक दफा माफी दे जा यार, मेरे को माँ की दे सारे किसे मुंह दे यार यार, तो रहने दो मेरे को, जो कैसा मैं वो करे था, कैसा था मैं बेना चले था, कैसा था मैं वही करे था, मेरे को एक दफा घर आ बन्यो यार, एक दफा घर आ बन्यो सुन लिया फ्रेंड्स, ये आप सब के लिए सबक है, मेरे भाई के लिए भी सबक था, आप सब के लिए भी सबक है। देखें अब वो कितना परेशान है, अपनी अम्मी को भाई को छोटे भाइयों को सब को छोड़ के गया था, वो सोच रहा था कि मैं अलग हो जाऊंगा तो मतलब कि इट्स नॉर्मल, मतलब सब कुछ आसान चलता रहेगा, लेकिन आपके सामने देख लें कुछ भी नहीं बचता। अगर आप साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आप खुश रहेंगे, आप बहुत कुछ कर सकेंगे आगे, अगर आप अलग हो जाएंगे अपने अम्मी से अपने भाइयों से अपने अब्बू से, आप कुछ भी नहीं हैं, आप जो कुछ भी हैं अपने भाइयों के साथ अपने घर वालों के साथ अम्मी के साथ हैं। आपके सामने पहले दिन से मैं आपको क्या बताऊं कि पहले दिन से ही मैं, आप सोच नहीं सकते कि मैं दिल पे मैंने पत्थर रखा हुआ था कि यार मेरा यार वो भाई है यार, वो इतना मतलब कि वो रो रहा है, वो मतलब कि उसका बेटा मेरा मेरी जान है वो, लेकिन मैं बस चुप इस वजह से था कि यार तो
बस मैं चुप इस वजह से था कि मैंने बस उसको दिखाना था कि कल को अगर आज उसको मैं ऐसे मतलब कि छोड़ देता ना कि यार ठीक है हम आपको अलग नहीं करते अल्लाह वास्ते तुम हमारे साथ रह जाओ प्लीज हमारे साथ रह जाओ, तो वो दो दिन बाद पांच दिन बाद उसने फिर ऐसे करना था। अब उसको नसीहत मिल गई है, अब सब मेरे व्यूअर हैं यार, अब सबको भी नसीहत है कि यार हमेशा इकट्ठे रहो यार, आप इकट्ठे रहो। बस मेरे उन भाइयों से है जो आज जिन्होंने सोचा हुआ है कि मैं हमने अलग हो जाना है अपनी अम्मी से अपने भाइयों से, इकट्ठे रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत भी आपको तोड़ नहीं सकती। तो बस अब मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा सा तंग करूंगा, बस थोड़ा सा, प्लीज माइंड ना करना फ्रेंड, क्योंकि आप सबको पता है ना कि आप हमने जाना है उसको मनाने के लिए, लेकिन अब थोड़ा सा मैंने ना उसको तंग करना है, तो प्लीज माइंड ना करना। और थोड़ा जा तंग करा रहे, एक मैसेज हाँ अम्मी, एक मैसेज हाँ, एक मैसेज साहब, एक मैसेज हाँ सवाल, एक मैसेज कर रहे थे फ्रेंड्स। मैंने वॉइस कर दी है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि मैंने उसको क्या वॉइस किया है, ये जरा सुने आप भी। इते हैं सिर्फ ड्रामे, ठीक है, तू जरा वीडियो बड़ा बड़ा तो लेना करे ना सोशल मीडिया पे, इधे उधे के देखो मेरा मोबाइल खसे ने ये है तो वो है, तो कोई को जाके तू खुद ही गई, बस निकल गई ना, हूँ तू आज ही रामने बस कट्ठा थी, कल को गल को ड्रामे ड्रामे कल को मसले करी, तू तो चंगा है तू बस आज ही ठीक है, हूँ बस खुश रहे अल्लाह खुश रखे तो बस ठीक है, हूँ जितना तू उठा ठीक है जैसा घर ठीक है बस, क्या तू बस मेरे को कहीं नंबर तू यही डू को मैसेज ना करी दिया फ्रेंड्स। अब बस मैंने उसको ना छेड़ने के लिए ये मैसेज किया है, तो प्लीज़ 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 माइंड ना करना। और यार बस मैं उसको ना सबक सिखाना चाहता था क्रीम वाला को, आप लोगों को लिए भी नसीहत है और क्रीम वाला के लिए भी नसीहत है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैंने उसको वॉइस की है, अब देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होगा, इंशाल्लाह हम अपने भाई से राज़ी होंगे, उसको घर भी लेकर आएंगे और इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से और प्यार मोहब्बत से लेकर आएंगे। और दूसरी बात, मेरे व्यूअर कहते हैं कि आपकी अम्मी जो हैं वो मैले कुचेले कपड़े पहने हुए हैं, आप बड़े सोने सनके कपड़े पहने होते हैं, आपके भाई भी मैले कुचेले कपड़े पहने होते हैं, तो अम्मी क्या कह सो बारे से कामयाब करे। हम जैसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम घर में रहते हैं घर में, जैसे भी हैं हम ठीक हैं, तो अभी जाते हैं जी फटाफट से क्रीम वाले को मनाने। नहीं अभी नहीं जाते, नहीं उसका अभी देखते हैं, अभी मेरा दिल कर रहा है यार सजाद इधर आओ, इसकी वॉइस सुन के ना आज जेड़ा तू मेरे को गाली की थी ना, इंशाल्लाह बस हूँ सुला थी गई, लेकिन एक मैं वॉइस की थे थोड़ा जा तंग करें दे, ठीक है बाल वेस इकट्ठे मना मारो हूँ देखते से वॉइस सुन दे, उस बाद क्या व्लॉग आंदे दे, क्या रिएक्शन आंदे, ठीक है सही। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स ये सब आपके लिए, आप लोगों ने मुझे कहा आप लोग हमारी फैमिली है, मैंने आप लोगों की बात मानकर इंशाल्लाह अब इस घर में दोबारा से रौनक आ जाएगी, इंशाल्लाह दोबारा से हमारा भाई आएगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब वो मैं कहता हूँ कि वो अब सुलह होगी और उसका रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद फिर उसकी उसको जाते हैं मनाने के लिए।